नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाकवि भर्तृहरि जी बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। वो कहते हैं जो कार्य पूर्ण करना चाहते हैं उनके पास कोई भी बहाने नहीं होते हैं। वो किसी परेशानी की चिंता नहीं करते। कार्य में सफल होना यही उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। देखिए भरत मुनि के शब्दों में बड़ा ही सुंदर श्लोक है। क्वचिद भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यङ्क शयनम्। क्वचिद भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यङ्क शयनम्। क्वचित् शाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदन रुचिः। क्वचित् कंथाधारी क्वचिदपि च दिव्यांबरधरो। मनस्वी कार्यार्थी गणयति न दुःखं न च सुखं। भैया, जो कार्यार्थी मनुष्य होता है, जो मनस्वी व्यक्ति होता है, वो गणयति न दुःखं न च सुखं, वो दुख और सुख की गिनती नहीं करता है कि मैं ये काम कर रहा हूं इसमें मुझे कितने दुख आके पड़ेंगे, मुझे सुख मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शास्त्रों ने कहा है कि सुखार्थिना को तो विद्या, अगर आप सुख चाहते हैं तो विद्या भूल जाइए, विद्यार्थिना को तो सुखम, अगर आप विद्यार्थी हैं तो सुख भूल जाइए। लेकिन ये मात्र विद्यार्थी के लिए नहीं है। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें आपकी तपस्या ही एकमात्र ऐसा साधन है जो उसमें आपको सफलता दिलवाती है। मेहनत उसका कोई पर्याय नहीं। देखिए कभी कहते हैं क्वचिद भूमौ शय्या, कभी धरती पे सोना पड़ जाए क्वचिदपि च पर्यङ्क शयनम्। या कभी अच्छा सुंदर पलंग जिसपे अच्छे से बिस्तर रेशमी वस्त्र बिछे हों, ऐसा बिस्तर मिल जाए सोने के लिए, चिंता नहीं करता है। क्वचित शाकाहारी, कभी शाकाहार का नंबर आ जाए, यहां शाकाहार जो जन्माष्टमी के दिन आप व्रत करके और 56 चीजें खाते हैं उसकी बात नहीं है। यहां शाकाहार का मतलब है जो राणा प्रताप की नौबत आ गई थी कि घास की रोटियां बना के खानी पड़ी, भले ऐसी स्थिति आ जाए लेकिन चिंता नहीं करता है। क्वचिद पिचसाल्योदन रुचि, या हो सकता है कि खूब मन चाहे पकवान खाने को मिले। अरे धरती पे सोना पड़े या अच्छा बिस्तर मिले, खाने के लिए शाकाहार की नौबत आ जाए या मन चाहा उत्तम व्यंजन खाने को मिले। क्वचित कंथाधारी, टाट जैसे मोटे मोटे कपड़े पहनने पड़े। क्वचिदपि च दिव्यांबरधरो, या रेशमी सुंदर वस्त्र पहनने को मिले। भाई, जो कार्यार्थी व्यक्ति होता है, जो मनस्वी व्यक्ति होता है, जो कार्य में सफलता चाहता है, ऐसा व्यक्ति इन सारी चीजों की, इन दुखों और सुखों की गणना नहीं करता है। वो तो सिर्फ और सिर्फ सफलता के लिए प्रयत्न करता है। सफलता के अलावा न विरमंति धीरा, इससे पहले श्लोक में आया कि देवताओं अमृत जब तक प्राप्त नहीं हुआ तब तक वो रुके नहीं। ऐसे जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो कार्य करने की इच्छा रखते हैं, जिनके पास इस प्रकार की इच्छा शक्ति होती है, वो कभी भी इन सुख दुखों की चिंता नहीं करते हैं और वो सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर वास्तव में सफलता चाहिए तो मेहनत तो करनी।